हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में हमने अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 12 को डिटेल में कवर किया था। हम जानते हैं सेक्शन 12 बेसिकली वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है, राइट? यानी एक ऐसा मैरिज जो कि तब तक लीगल मैरिज बना रहेगा तब तक उसकी वैलिडिटी इन द आईज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करेगी जब तक दोनों पार्टीज में से कोई एक उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर देती है। तो हमने वॉइडेबल मैरिज के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर किया है, वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप वॉइडेबल मैरिज को, वॉइड मैरिज को समझना चाहते हो तो आप वीडियोस रेफर कर सकते हो। अगर हम अपने अब तक के डिस्कशन को रिकॉल करें तो हमने ये जाना कि सेक्शन 5 बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है, जिसमें 5 कंडीशंस हैं। तो आप याद रखोगे सेक्शन 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है। सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि पार्टीज यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों क्या हैं, फ्री हैं। वो दोनों अपने आपसी कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसाइड कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वो किन कस्टम्स, किन रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। तो वो चाहें तो किसी हिंदू रिचुअल्स, कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सप्तपदी का जो रस्म है उसे निभाना होगा। तो इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो सप्तपदी, यानी विवाह में 7 फेरों का होना एक आवश्यक शर्त है। सो दे आर फ्री टू फॉलो एनी कस्टम्स बट दे आर बाउंड टू फॉलो सप्तपदी, और बिना इसके हिंदू विवाह मान्य नहीं है, राइट? सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज। और सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। तो अगर आप वीडियो में नए हो और इन सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन में आपको डाउट है तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। हमने बेयर एक्ट को पढ़ा है लाइन बाय लाइन और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन 13 के प्रोविजन से डील करेंगे। सेक्शन 13 बेसिकली डाइवोर्स के बारे में बात करता है और ये सेक्शन अपने आप में उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर ईदर पार्टी टू द मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। व्हाट इज डाइवोर्स, डाइवोर्स क्या है? देखो, जब हमने सेक्शन 10 को समझा विच टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन, तो हमने ये जाना कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से डाइवोर्स लिए बिना जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट से ले सकते हैं और कुछ समय तक के लिए एक दूसरे से अलग रह सकते हैं बिना अपने मैरिटल राइट्स, बिना अपने मैरिटल बॉन्ड को डिसॉल्व किए हुए। तो जुडिशियल सेपरेशन में मैट्रिमोनियल बॉन्ड डिसॉल्व नहीं होता है। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कंसेंट से
कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले लेते हैं और एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, हालांकि उनके बीच का जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं लेकिन वो एक साथ नहीं रहते हैं। तो बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन इज टेम्पोरेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हियर मैट्रिमोनियल बॉन्ड इज नॉट डिसॉल्व्ड परमानेंटली, इज नॉट एंडेड परमानेंटली, लेकिन डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। हियर मैट्रिमोनियल बॉन्ड गेट्स एंडेड परमानेंटली, और एक बार कोर्ट से आपने डिग्री ऑफ डाइवोर्स ले लिया, तो आपके बीच जो मैरिज अब तक एग्जिस्ट करती थी वो मैरिज एंड हो जाएगा, आपके सभी मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगे परमानेंटली, एंड यू विल नॉट कंसीडर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज व्हाट? इट इज परमानेंट एंड ऑफ मैरिज। It is termination of matrimonial bond permanently. तो सेक्शन 13 अपने आप में उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात करती है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। दो तरह के डाइवोर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, और एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, जो कि सेक्शन 13B में दिया हुआ है। तो सेक्शन 13 में जिस डाइवोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी वन साइडेड डाइवोर्स। हियर डाइवोर्स पिटीशन मे बी फाइल्ड बाय हस्बैंड और बाय वाइफ अगेंस्ट ईच अदर, राइट। तो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर ना जाएं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, तो देर आर टोटल 10 ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में कुल 8 ग्राउंड्स हैं, ध्यान से सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में कुल 8 ग्राउंड्स हैं, और सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में 2 ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स के बेसिस पर हस्बैंड अपने वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। अब सेक्शन 13 को पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 14 देखना होगा। सेक्शन 14 क्लियरली ये कहता है कि नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज।
विच मीन्स विवाह के एक साल के अंदर अंदर ईदर पार्टी टू मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी सेक्शन 14 क्लियरली ये कहता है कि नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट बाय हस्बैंड और बाय वाइफ विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो इससे एक बात क्लियर हो रहा है कि आप डाइवोर्स पिटीशन को आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज ही प्रेजेंट कर सकते हो, राइट? नाउ आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन तभी फाइल कर सकते हो जब आपका जो मैरिज हुआ था वो अपने आप में वैलिड मैरिज था। इट मीन्स आपने प्रॉपर कस्टम प्रॉपर रिचुअल्स इंक्लूडिंग सप्तपति को फॉलो करते हुए विवाह किया था, यानी 7 फेरों का होना था आपकी शादी में। एंड देर वेर प्रेजेंस ऑफ मैनी पर्सन्स एज विटनेस हु वर विटनेसिंग योर मैरिज। तो अगर आपने प्रॉपर रिचुअल्स प्रॉपर कस्टम्स इंक्लूडिंग सप्तपति को फॉलो करते हुए विवाह किया था तो आपका मैरिज क्या है? वैलिड मैरिज है। तो आपका मैरिज वैलिड मैरिज था। तो योर मैरिज मस्ट बी अ वैलिड मैरिज, तभी आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका मैरिज वैलिड मैरिज नहीं था, ये वॉइड मैरिज था, तो आप डाइवोर्स पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हो, राइट? क्योंकि अगर आपने प्रॉपर रिचुअल्स प्रॉपर सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया है तो वो मैरिज अपने आप में लीगली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो हियर एनी मैरिज मींस हिंदू मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिच मींस हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद कोई हिंदू विवाह संपन्न हुआ था? मे ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और वाइफ बी डिसॉल्व्ड बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स दैट अदर पार्टी। तो वेदर मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी पार्टी टू द मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक दूसरे के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है इन मेंशन ग्राउंड में से किसी एक या एक से अधिक ग्राउंड के बेसिस पर। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 टोटल 8 ग्राउंड के बारे में बात करता है जिन ग्राउंड के बेसिस पर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में समझे, राइट, फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो जिन 8 ग्राउंड्स के बारे में बात किया जा रहा है सेक्शन, द वेरी फर्स्ट ग्राउंड इज एडल्ट्री। तो क्या कहता है? During the subsistence of valid marriage, either spouse hath voluntarily made sexual relation with other person other than spouse. विधि मान्य विवाह के दौरान either party to the marriage यानी husband या wife में से किसी ने
एक दूसरे के बजाय किसी दूसरे पर्सन से इंटरकोर्स किया है, whether that intercourse has been done once or repeatedly, right? तो अगर हस्बैंड ने during the subsistence of valid marriage किसी अदर वाइफ से या किसी अदर वुमन से फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किया है या वाइफ ने ऐसा किया है अदर देन हर स्पाउस, तो ये एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स का, एंड इस ग्राउंड को हम कहते हैं एडल्ट्री। फिर चाहे ये एडल्ट्री सिंगल एक्ट के तहत हुआ हो या कई बार हुआ हो, तो वाइफ और हस्बैंड हैड वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज हर ओन स्पाउस। दूसरा क्या है, क्रुएलिटी, क्रूरता। अब हिंदू मैरिज एक्ट कहीं भी क्रुएलिटी को डिफाइन नहीं करता है या इसके स्कोप को फिक्स नहीं करता है। क्रुएलिटी का मतलब है कोई ऐसा अनरीजनेबल मिसकंडक्ट जिसे लीगली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जिसके वजह से दूसरे स्पाउस का जो लाइफ है वो मिजरेबल बन जा रहा है, तो वो क्या है, क्रुएलिटी है। तो क्रुएलिटी भी क्या है, इट इज अ ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच हस्बैंड और वाइफ मे प्रेजेंट पिटिशन ऑफ डाइवोर्स अगेंस्ट अदर। तीसरा, डिजर्शन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, हस्बैंड या वाइफ ने एक दूसरे का परित्याग कर दिया है और पिछले 2 सालों से वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। हस्बैंड अपने मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा रहा है या वाइफ वाइफ की तरह नहीं रह रही है, तो डिजर्शन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, जिस दिन आपने डाइवोर्स के पिटिशन को फाइल किया बिफोर द कोर्ट, उस दिन से पिछले 2 साल से हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्व कर दिया है, तो वाइफ इस ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर सकती है या वाइफ ने हस्बैंड को डिजर्ट कर दिया है, परित्याग कर दिया उसका, तो इस ग्राउंड पर हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। चौथा, कन्वर्जन, हस्बैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन, हस्बैंड अडॉप्टेड मुस्लिम रिलीजन, तो इस ग्राउंड पर वाइफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। वाइफ गेट्स कन्वर्टेड इन टू अनदर रिलीजन, तो इस ग्राउंड पर हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। अभी जब हम आगे बेरक को पढ़ेंगे तो हम इन सभी ग्राउंड्स को डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बैकग्राउंड आपके दिमाग में बना रहे, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कन्वर्जन इज द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच पिटीशन फॉर डाइवोर्स मे बी प्रेजेंटेड बाय एनी पार्टी। अदर पार्टी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स हार्मफुल टू लिव विथ हिम और हर। तो मेंटल डिसऑर्डर, हस्बैंड मेंटल डिसऑर्डर से इस हद तक ग्रसित है कि वाइफ उसके साथ नहीं रह सकती है किसी भी हाल में। अगर वो रहती है तो उससे उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है,
या वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर दैट इट बिकम्स इंजूरियस फॉर द हस्बैंड टू लिव विद हर, राइट? तो मेंटल डिसऑर्डर, अदर पार्टी इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी और एनी वेनेरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, दूसरे पार्टी को यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक लेप्रोसी से ग्रसित है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है या किसी वेनेरियल डिजीज से, यौन रोग से ग्रसित है, एंड दैट इज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स के लिए. सातवां, अदर पार्टी रिनाउंस द वर्ल्ड, दूसरे पार्टी ने इस संसार का परित्याग कर दिया है, वो सन्यासी हो गया है या हो गई है, वो हर्मिट हो गया है, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स लेने के लिए. और क्या कह रहा है, अदर स्पाउस हैज नॉट बीन नन बाय एनी ऑफ इट्स रिलेटिव्स फॉर लास्ट 7 years, पिछले 7 सालों से हस्बैंड का कोई खोज खबर नहीं है या वाइफ का कोई खोज खबर नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसी है, किस हाल में है, या वो कैसा है, किस हाल में है. इवन उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और 7 साल बीत चुका है. तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है बाय आइदर पार्टी टू मैरिज, राइट? तो दीज आर 8 grounds which are mentioned under section 13 subsection 1, and these grounds are available to both husband and wife, and on the basis of these grounds either party to marriage, whether their marriage has been solemnized before or after commencement of this act, may file petition for divorce, right? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए अपने आप में 2 grounds के बारे में बात करता है, राइट? और इसमें कहा गया है कि अगर कोर्ट ने, सबसे पहला ग्राउंड है, अगर कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास कर दी थी, 1 साल हो चुका है उस डिक्री को पास किए हुए, अभी भी हस्बैंड और वाइफ में कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है, सपोज करो कि अगर कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री हस्बैंड के फेवर में पास कर दी थी, उस डिक्री को पास हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी वाइफ हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो हस्बैंड इस ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है एंड वाइस वर्सा. और दूसरा ग्राउंड है कि अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी थी, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय बीत गया है, फिर भी दोनों पार्टी के बीच कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो आइदर पार्टी मे सीक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड, राइट? तो दीज आर 10 grounds ऑन द बेसिस ऑफ विच आइदर पार्टी टू मैरिज मे प्रेजेंट पिटीशन फॉर डाइवोर्स बिफोर द कोर्ट, राइट? अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए
उन ग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि केवल और केवल वाइफ को अवेलेबल है, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर केवल और केवल वाइफ डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है, राइट? तो दीज वर द ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज ग्राउंड्स विच आर स्पेशली गिवन टू द वाइफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड्स ओनली वाइफ मे सीक डाइवोर्स, राइट? तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं. और आपके ओपिनियन क्या है, आपके सजेशंस हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो. आईडी है ra.jan9827. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.